फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, शेरवानी, कोट पैंट, थ्री पीस, शूटिंग, शर्टिंग, टेलरिंग, बच्चे और बच्चियों के लिए कई सारे कपड़ों की वैरायटियां। हमारा पता आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली मालेगांव। प्रोप्राइटर चांद खान। मानव समाचार, मानवता के हक में। आज हम एडिशनल एसपी साहब के पास आए मिलने के लिए। कोलकाता कंपनी के कुछ लोगों ने एक गलत तरीके से एफआईआर रजिस्टर करवाई मुजुद्दीन उर्फ मोया पर, जिसमें आर्म एक्ट लगाया गया। हमारा ये बोलना था कि आर्म एक्ट जो लगा है वो गलत है, ऐसी कोई बात नहीं हुई कि उसने बंदूक निकाला। अगर तूतू महमाय हुई है तो जो हुआ है उतना ही केस रजिस्टर होना चाहिए। तो उनसे गुजारिश की, उन्होंने बात समझी और ये बोला कि हम उसको समझ लेते हैं, इंक्वायरी करके जो भी सही कार्रवाई है वो हम करेंगे। कोलकाता कंपनी जब से मालेगांव शहर में आई है, कोई भी कंपनी हो, कोई कारपोरेशन हो, कोई एजेंसी हो, इनके बीच में कुछ लोग काम काज करते हैं, आवाम और दूसरी एजेंसी के बीच में, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट और आवाम के बीच में कुछ लोग काम करते, वैसे ही मालेगांव शहर के सैकड़ों वायरमैन जो कंपनी और आवाम के बीच में सहूलत हो इसके लिए काम काज करते। कहीं कहीं ऐसा होता है कि तू मैं हो जाती, बातचीत कुछ बिगड़ जाती काम काज को लेकर, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि उस पर आर्म एक्ट लगा दिया जाए। कंपनी के लोग अभी ये बोलने लगे कि अगर उनसे कोई भी काम काज में उज्जत तकरार करेगा तो वो उसके ऊपर आर्म एक्ट लगा देंगे। इस तरह से डर और खौफ बनाया जा रहा है कंपनी की तरफ से कि कंपनी अगर कुछ गलत कर भी रही है, रात के अंधेरे में दो दो तीन तीन बजे मार्शल के साथ बंदूक के साथ कंपनी के लोग रेड मारते हैं, अगर कहीं पर गलत हो रहा है तो दिन में भी रेड मारा जा सकता है। अब टेक्निक इतनी हाई हो गई है कि मीटर अगर कोई रात में बंद करता है तो भी समझ में आ जाता है कि मीटर बंद है। ये सब टेक्निक हो जाने के बाद कोई ज़रूरत नहीं है रात में दो दो तीन तीन बजे आकर रेड मारने की। यही बात हमने एडिशनल साहब को बोली, और आने वाले वक्त में रमज़ान है और ऐसे टाइम में जानबूझकर कंपनी के लोग ऐसी हरकत कर रहे हैं कि उसमें किसी भी तरीके से शहर का वातावरण खराब हो। एक एक साल पहले मीटर जो निकला और लोगों ने खुद अरीजा देकर जो मीटर निकाला उसके ऊपर भी दंड, एक साल के बाद अभी रात में मीटर निकाला जा रहा है।